Krishna Janaya Krishna Vishaya Vyadhi Samaya Yabhidhaka Samaya Chavadanta Vyadhyaya 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12 श्लोक नंबर 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। अप्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धे अवाप्यसि। अप्यासो असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासोऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासोऽर्थमसर्मोऽर्थि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। यसोऽसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासोऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अप्यासे
अभ्यस्मे अभी भी असमर्था असमर्था असी हो मत्कर्मा मेरे कर्म के प्रति परमा परायणा भवा बनो मदर्थम मेरे लिए अभी भी कर्माणि कर्म कुर्वन करते हुए सिद्धि सिद्धि को अवाप्यसि प्राप्त करेंगे। पदार्थ भावार्थ बाई डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। मतलब पीछे बोलिए हमारा, यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। भाव तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर सक पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में पहले ही भी जा चुकी। मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होने जाए चाहिए। ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्तियों के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। उत्तर केवल अंदर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्म भी रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता है तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से भक्ति व्यक्ति भगवत प्रेम की
उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। प्रसन्न प्रपोट बैज दिवान जे सिसी भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपादमहं वंदे श्रीगुरुं दिनदारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय धाम सुरदो भंगोर मम मंद मदे गदी मत्सर्वस्वनाम भोजौ राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवगी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। हम लोग अभी श्रीमद् भगवद गीता का एकदम इम्पोर्टेंट अध्याय है, 12 अध्याय। इधर भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताते हैं। योग बोलेगा तो भगवान से यूनाइटेड, भगवान से कैसा योग हो सकता है? ये भगवान का इच्छा है, भगवान का इच्छा यही है। हम लोग भगवान के साथ था, अभी हम लोग वियोग में हैं, भगवान से वियोग में हैं। तो भगवान से योग होने के लिए कोशिश करता है। ये कोशिश करना भगवान के आज्ञा के अनुसार, भगवान हम लोग को क्रिएशन जब भी किया है वही टाइम में ज्ञान भी दिया है, वेद ज्ञान भी दिया है ब्रह्मा जी को। ये ज्ञान क्या है, कैसा भगवान के पास वापस जाके मिल सकता है, भगवान के साथ रह सकता है, अपना घर वापस जा सकता है। तो ये अध्याय में भगवान केवल भक्ति से कैसा भगवान को मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग जो मनुष्य योनि में जीव है, इनका पूर्णता कभी होएगा? मनुष्य योनि का पूर्णता इधर ये धरती में आके, मृत्यु लोक में आके, हम लोग सबसे ऊंचा है मनुष्य योनि। वो मनुष्य योनि कैसा उपयोग करके पूर्णता हो सकता है? पूर्णता यही है भगवान के पास यही लाइफ में वापस जाएंगे। उसका ज्ञान मिल गया, उनका प्रैक्टिस मिल गया, उसमें सक्सेस हो गया तो पूर्णता हो गया, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। तो कोई इसका ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने ये ज्ञान दिया, पहले भी दिया था, अभी अर्जुन को ये ज्ञान और देते हैं। और हम सोचता था पहले ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण ये सब था, लेकिन ये पुस्तक के रूप में नहीं था। तो कलयुग में आके हम लोग मंदाह मंद सुदेव मंद भाग्य उपत्र इतना डिस्टर्बड है, इतना याद नहीं कर सकता है, वो सब भूल जाता है। वही हालत में भी भगवान को याद कर सकता है, भगवान के बारे में कैसा मालूम बन सकते हैं, इसको लिख के रहा। वो भी हम सोचता था भगवान के अवतार है, नारायण का अवतार है व्यास देव जी,
उनको इंस्पिरेशन दिया, भगवान ने उनको लिख के दिया, ये सब लिखे रखा है हमारे लिए, लिखे रखा है, कितना कृपालु है भगवान, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति कैसा करने का चाहिए। तो ये ज्ञान अभी ये महीने में हम लोग इधर पुस्तक वितरण होता है। पुस्तक वितरण, ये पुस्तक क्या है, ये जो लोग इधर आते हैं उनको मालूम नहीं है। कोई बोलता है हमारे पास यह भगवद गीता है, छोटा भगवद गीता है, हम श्लोक पढ़ता है, लेकिन भगवद गीता में भगवान का उपदेश क्या है, दिव्य ज्ञान कैसे दिया है, यही हमारा परम गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तर्जिमा करके एकदम सरल लैंग्वेज में लिखे, प्रिंट करके एकदम सस्ते में यही महीने में उसको किसको प्राप्त हो जाएगा उसको पूर्णता मिल जाएगा। अगर ये पुस्तक उनका हाथ में मिल गया और पढ़ा है तो पढ़ने के टाइम में भी उनको ये पीछे से इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये लोग जो करता है, आज का जो श्लोक में है, भगवान को कैसा प्रीति कर सकते हैं, वही कार्यक्रम हो रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान के लिए काम करता है। तो गया श्लोक में हम लोग पढ़ा, भगवान बोलते हैं तुम्हारा मन हमारे ऊपर तुम्हारा मन लगाओ, यही तकलीफ देने वाला मन और बुद्धि है, मय्य अर्पित मनोबुद्धि भगवान ने बताया है, ये दोनों चीज तुम्हारे संभाल नहीं सकता है, मेरे को दे दो। मन मना भव मलभक्त तो ये पढ़ चुका है, तुम्हारा मन में हमको लेके चलो। हाँ, तो लेकिन भगवान कितना कृपालु है ये सोचना चाहिए, भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम मिलना जरूरी है, यही हमारा मनुष्य योनि में। लेकिन जो मनुष्य योनि में आ गया है, कलियुग में आया है, वो पीछे जन्म का कर्म फल लेके आया है। जिसको कृष्ण भावना अमृत समझ में आया है वो प्रैक्टिस करता है, ये कलियुग में आया है वो महानुभाव है, वो लोग महान व्यक्ति है, क्योंकि उसको आसान से जा सकता है। लेकिन बाकी जो है वो पापी लोग हैं, वो पापी लोगों को भी कृपा देने के लिए, भगवान कृपा देने के लिए अपना पीछा जन्म के अनुसार हम लोग अभी अनुभव करता है, एक ही चीज होता है। बहुत लोग इधर से सामने से जाते आते हैं, लेकिन इधर क्या हो रहे हैं उसको कुछ पता नहीं है, भाई मिस्टेक भी वो प्रणाम नहीं करता है, कोई कोई प्रणाम करता है, दूसरा ऐसा ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको उसका कृपा नहीं है, ये जन्म में नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने ऐसा पापी लोगों भी ये ज्ञान देके, सरलता में ज्ञान देके बहुत ऑप्शन देता है भगवान, ये कहो नहीं तुम्हारे से ये नहीं होएगा बच्चे, तुम ऐसा करो, ये नहीं हो सकते दूसरा करो, आसान से जो कर सकते है करो, लेकिन करो। यही भगवद गीता में यही सारा अध्याय में यही भगवान ने बार 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 बोलते हैं, हमारा शरण में ले लो, हमारा पूजा करो, हमके ऊपर नमस्कार करो, हमारा नाम हमारा संकीर्तन करो, यही तुम्हारा पाप मिटाने के लिए एक ही रास्ता यही है। ते कभी कभी बोलता है देखो भगवान कभी बुलाएगा हम जाएगा, कभी भगवान हमको कृपा देगा तभी हम ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र चांदी करेगा, लेकिन कृपा कैसा मिल सकता है, ये पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने के बाद मिलते ही हम उनका कृपा के लिए मैं कुछ करना चाहिए, उन्होंने जैसा बताया है मैं करना चाहिए, फिर उनका कृपा हमको मिल जाएगा। भगवान कृपा देते हैं, सबको कृपा देते हैं, कृपालु देते रहते हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं है? अगर कोई किसी को कुछ प्रसाद देने का है, कुछ देने का है, तो प्रभु जी ये ले लो बोलेगा तो हम लोग ऐसा हाथ पिला के ऐसा खड़ा रहेंगे, कैसा दे सकता है, बार बार बोलते ये लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए,
क्यों उनको मन में ऐसा ऐसा भगवान बोलते हैं, लेओ लेओ भगवान श्री कृष्ण भगवान ये कलयुग में भक्त के रूप में आके भक्ति कैसा करना कह करके चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन आंदोलन किया है। एक्चुअली सब लोग बुलाते आओ इसमें ज्वाइन करो, कीर्तन में ज्वाइन करो, संकीर्तन करो, सिर्फ यही करो। वो महाप्रभु भी भगवान था, इसलिए ये बड़े बड़े विद्वान लोग सन्यासी लोग को उनको पूछा आप सन्यासी है आप वेदांत पढ़ना चाहिए, ये क्या साधारण व्यक्ति के जैसा आप पागल के जैसा कीर्तन करके चलते हैं। तो उन्होंने यो नाटक के रूप में उन्होंने उनको बताया मैं कलयुग में आया है, कोई भी हो मैं बुद्धिमान नहीं है, हम फूल है, हमको कुछ बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारा गुरु महाराज बोला है तुम वेदांत मत पढ़ो, इसके पीछे मत पढ़ो, इसके पीछे मत पढ़ो, सिर्फ तुम हरिनाम संकीर्तन करो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उसका मैसेज क्या है महाप्रभु का, ये कलयुग में जो है मंदबुद्धि उपद्यता का डिस्टर्ब है, कोई मन कंट्रोल नहीं कर सकता है, शांति से बैठ करके भगवान की ध्यान नहीं कर सकता है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, उसका प्राप्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति को भी भगवान की कृपा मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, इसमें वही बेनिफिट मिलेगा जो दूसरा युग में लोग पूजा करता था, मेडिटेशन करता था, इसका सब फल 100% बेनिफिट मिलेगा जब भी वो कीर्तन करेगा भगवान के कीर्तन, ये आसान है। तो आज का श्लोक में भगवान ने बताया है भक्ति योग का विधि विधान, कुछ नियम है भक्ति करने के लिए, कुछ नियम है, चार नियम है, हम लोग को ऐसा हरे कृष्णा में आएगा तो चार नियम है, और वो भगवान की नाम लेने पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो ऑफेंसेस अवॉइड करने का है, नहीं करने का है, अपराध नहीं करने का है। लेकिन ये सब कंडीशन कोई कोशिश करता है, हम लोग बोलता है देखो मैं ये नहीं छोड़ नहीं सकता है, मैं ये नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं बैठ सकता है, कि हमारा बुद्धि ऐसा है, हमारा हालत ऐसा है, नहीं कर सकता है। तो भगवान बोलता है ठीक है, वो भी नहीं हो सकता है, पहले मन कंट्रोल करने के लिए बोला था वो नहीं हो सकता, तो तुम खाली नियम पालन करो, नियम पालन करो, खाली भक्ति के लिए नहीं है, ऐसा ही बिलान करो, ये नहीं करेगा, हमने ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, दृढ़ संकल्प किया है, चलो ऐसा। फिर भी तुमको भावना आएगा, एक दिन भावना आएगा, भगवान की भक्ति मिलेगा, भगवान देगा, कृपा देगा। ये भी बोलता है नहीं, हम लोग अभी जैसा ये छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा के जैसे हम लोग, छोटा बच्चा को कुछ भी खाने को दो, कुछ भी करेगा तो पहले क्या बोलेगा, नहीं नहीं चाहिए, नहीं करेगा। फिर वो माँ उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको पकड़ के करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग का स्वभाव हुई है, कोई भी कुछ बोलेगा तो ये बाबा ये नहीं हो सकता, मैं जप नहीं कर सकते, मैं कीर्तन में नहीं आ सकते, मैं अंदर में नहीं आ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ नहीं। तो इसलिए भक्त लोग उसके पीछे पड़ गए, जैसा माँ जी वो उसको दवा देता है सब पकड़ करके बोलता है ठीक है तुम सिर्फ इधर आए ना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो इतना तो कर सकता है तुमको, हाँ इतना कर सकता है, ठीक है 5 मिनट 10 मिनट बोलो। तो ऐसा भगवान की नाम लेके भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, वैष्णव की कृपा मिल जाएगा उसको। इधर एक प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य में एक ये वर्ड यूज किया है, रुचि स्वाद, रुचि होना चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो आप खाएगा नहीं कुछ भी, कीमत हो मेरे को इसमें पसंद नहीं है, रुचि नहीं है खाने की।
तो इसमें भगवान के नाम में भगवान की सेवा में रुचि होना चाहिए बोलते हैं। रुचि होएगा तो कर सकता है। संध्या आरती में इधर आके नाचना, भगवान के गाना कीर्तन करना, इसमें जिसको रुचि हो गया वो बार बार आएगा करेगा, नहीं तो ये क्या पागल लोग है, क्या करता है, कुछ मुझसे चक्कर करते हैं चले जाते हैं हाँ। तो इसीलिए भगवान मिलते ऐसा नहीं कर सकता है तो मेरे लिए तुम तुम्हारा कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए काम करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो। तो बोलेगा आपको लिए काम करे तो हम हमारा ऑफिस का काम कैसा करेगा, तो आप कुछ देगा क्या मेरे लिए? तो ऑफिस का काम करके तुमको जो मिलता है उन्होंने देता है, भगवान ने देता है, ये समझ में आना चाहिए। तो भगवान इधर बोलने का यही है, काम करे ये सब नहीं कर सकता है, तो थोड़ा टाइम जितना टाइम है 24 आवर्स हमारे पास है, 8 घंटा काम करना है, ओवर टाइम करे तो भी 10 घंटा करो, फिर भी 14 घंटा बाकी है, ट्रांसपोर्ट में आप याद आएगा 4 घंटा जाएगा फिर भी 10 घंटा है, तो सोने का है 6 घंटा फिर भी 4 घंटा बाकी है, तो उसमें थोड़ा टाइम ये भगवान बोलते हैं हमारे लिए कुछ काम करो। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा बोध समाधि है, ये लिमिटेड कंपनी है, बहुत बड़ा लिमिटेड कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। इधर कितना सर्विस होता है, कितना डिपार्टमेंट होता है, कितना सेवा होता है, वो भी सेवा रिक्रूटमेंट के लिए फ्री रिक्रूटमेंट है, आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी कर सकता है, ऐसा ओपन करके रखा है, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा भगवद गीता जो प्रैक्टिकल में है, विज्ञान है, वो करने के लिए हम लोग ये कंपनी ओपन करके रखा है। अरे भगवान ने बताया है कुछ भी नहीं हो सकता तो मेरे लिए तुम काम करो, प्रयत्न करो बोलता है। देखो कितना दयालु भगवान है, काम करो करके नहीं बोलता है, प्रयत्न करो, यू प्लीज ट्राई, ट्राई करने के बाद बोलो नहीं हो सकता है। एक बार तुम भगवान के लिए कुछ करेगा तो भगवान की प्रेम मिल जाएगा, उसमें हम लोग का आसक्ति हो जाएगा, अरे ये बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जितना हमारा कंपनी के लिए काम किया, दोनों सारा लोगों के लिए काम किया, लेकिन इधर आके भगवान के लिए कुछ किया तो मेरे को आनंद आया, क्योंकि वो अपने आत्मा का ये फूड है, फूड प्रसाद है, आत्मा का प्रसाद है। बाकी जो शरीर का जो जितना चाहिए ना, शरीर का तुष्टि के लिए जो है वो करता है, बहुत करता है, काम करता है, पैसा लेता है, कमाता है, खाना खाता है, सब करता है हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण बताया, जब भी ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा पेट्रोल स्टेशन में जाएगा, पेट्रोल स्टेशन में जाएगा तो ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बोलता है पेट्रोल डालो उसमें, तो ड्राइवर बोला मेरे को भूख लगता है, मेरे को भी 2 लीटर हमारे मुंह में डाल दो, तो क्या होएगा? ड्राइवर वो खा सकता है क्या? ड्राइवर खुशी हो जाएगा 2 लीटर पेट्रोल लेके, गाड़ी खुशी हो गया, वो भूल हो गया, जब इसके लिए क्या चाहिए उसको खाने का कुछ मिल जाके उसको लिए वही चाहिए। जैसे हम लोग ये शरीर सुख के लिए बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है, लेकिन आत्मा का खुशी के लिए परमात्मा को तृप्ति करने का है। 10-12 हरे कृष्ण महामंत्र बोला, एक माला बोल दिया तो आत्मा खुशी हो गया, वो आत्म संतृप्ति बोलता है। मैं क्या किया भगवान के लिए, क्या किया? मंदिर में गया, भक्तों को मिला, गाया, भगवद गीता सुना, भगवान गए थे इसलिए हम लोग ये श्लोक इधर लिखे रहता, क्योंकि भगवद गीता का श्लोक पढ़ा तो भगवद गीता पढ़ना उसका बल मिल गया हाँ। तो ऐसा ही भगवान इधर बोलता है उसके लिए कोशिश करो, क्योंकि मेरे लिए जो कर्म करने के तुम पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाएगा करके बोलते, ये भगवान क्लू दे टिप देता है, हमारे लिए काम करो तुम्हारा पूर्णता मिल जाएगा। इसके लिए कुछ ज्ञान का कुछ जरूरत नहीं है, हैं इसके लिए पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, वो पूजा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आके भगवान ने बोलता है कुछ काम करो, इधर कुछ सेवा करो। हम लोग बोलते हैं आप सेवा करना चाहता है क्या? हाँ ले लो ये सेवा ले लो, हो गया आपका पूर्णता, हो गया।
एक बार कर दिया उसमें रुचि मिल गया, कभी छोड़ेगा नहीं। जो माला लेके हरे कृष्ण महामंत्र जो चैंटिंग चालू करता है ना, दिल से करता है, तो कृपा से ये छोड़ेगा नहीं बाद में। नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है, आनंद में होता है। आने उसके लिए भल हुई आनंदा बुद्धि वर्तनम प्रतिपदम पुनामदा स्वादनम, तो आनंद ही मिल जाएगा, कोई रोएगा नहीं। हाँ, शायद रो सकता है, जो भक्ति से आंखों से पानी आएगा वो दूसरी बात है, नहीं तो ये मैं फंस गया इधर करके कोई नहीं बोलता है, हम सही जगह पर आ गया करते हैं। तो इसलिए प्रभात जी बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बोलता है। अगर कृष्ण भावना अमृत पढ़ करके प्रचार नहीं कर सकता है, मेरे को नहीं टाइम नहीं है, मेरे नहीं कर सकता है, तो भगवान ने प्रभुपाद ने एक ऑप्शन देता है, जो करता है प्रचार करता है उनको हेल्प करो। इधर आके कोई बोलता है देखो मैं किसी को भगवद्गीता नहीं सकता है, लेकिन 10 भगवद्गीता हमारे नाम पर भक्तों को बांटो। मेरे को मालूम है हम अलग अलग जगह पर जाके प्रचार के लिए जाता है, बहुत जगह पर ऐसा है जो भक्त है उनको पैसा नहीं है, भगवद्गीता लेने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग डिस्काउंट में फ्री में देता है, लेकिन जो भक्ति लोग इधर आके जो डोनेशन देता है वो भगवद्गीता लेके हम लोग बांटते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये आज्ञा है हमारा महाप्रभु का आज्ञा है, ये ज्ञान दे दो करके, वो पतिता पावन है, उल्टा ऐसा हेल्प करो। डिफरेंट ऑप्शन देता है, कृष्ण भावना अमृत प्रचार करने के लिए हम लोग को मंदिर चाहिए, सेंटर चाहिए, हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता है, लेकिन हम जमींदार हैं, हमारे पास बहुत जगह है। तो 2 दिन के पहले हम लोग एक जगह पर गया था, उन्होंने हमको बताया देखो हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, तुम मंदिर बनाए तो बनाओ, उधर आ जाओ हम तुमको लैंड दे दे करके। तो ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान की काम कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया है उसको, जो लक्ष्मी ज्यादा है उनको दिया। ये कोई बोलता है देखो मैं कमाता है, मेरे को सब पैसा मिलता है, मैं किसको देने का क्या जरूरत है, भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, मैं हम तो एंजॉय करें। नहीं, ये सब देने वाला वही है, भगवान देने वाला वही है, भगवान की सेवा में ये भी है, बोलता है तुम्हारा जो पकड़ मिलता है उसमें 10% दे दो भगवान की, दे दो भगवान के लिए दे दो। मेरे को कोई बोलता था वो तिरुपति है ना, तिरुपति, तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान, तो यार सब लोग जाके पैसा हुंडी में डालते हैं, इधर मुंबई में बहुत कंपनी है, तिरुपति बालाजी भगवान पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर है कंपनी में, ऑफिशियल पार्टनर है, अगर उनको प्रॉफिट मिल गया तो 10% पार्टनर है, कोई 25% है उसका भगवान को मिल जाएगा, उधर तिरुपति में उनको मिल जाएगा। तो ऐसा ही बल मिल जाएगा, पूर्णता मिल जाएगा, ये कौन सा भी कम से कम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बट ऑप्शन भगत से, इसलिए भगवान इसमें खुशी है, सारा जीव भगवान के साथ चले जाओ, यही जन्म बड़ा बड़ा अलग सभी को भी एंगेज कर सकता है। हमारा भक्तों बाहर जाके भी प्रचार करते हैं, सबको ऐसा बोलता है ना, तो आपको नहीं आ सकते तो आप इसके हेल्प करो, भगवान की नाम हरि नाम के लिए हेल्प करो, कंडक्ट करो, प्रोग्राम कंडक्ट करो, ये सब दिखाने के लिए नहीं है। ये सारा जो कलयुग में जितना जीव है उनको उद्धार के लिए, उनको उद्धार के लिए जरूरत है, और अलग अलग जगह पर पहुंचना है। हमारा बुक का बृहत मृदंग बोलता है, बृहत मृदंग, क्योंकि ये मृदंग चलाएगा तो सब भी सुन सकता है, ऐसे जितना बुक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना जगह पर ये मैसेज पहुंच जाएगा, लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, उनका जीव जो उद्धार हो जाएगा, जब भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो इसलिए सभी ये महीना में कम से कम एक बुक, हम लोग बोलता था 50 साल हो गया ISKCON को, तो सभी भक्तों कोशिश करना चाहिए कम से कम 50 बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होते सारा जगह पर हमारा भगवद्गीता पहुंच जाएगा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.